केंद्र की सरकार का संचार मंत्री और रेल मंत्री भी है, तो उसके आपने रेल क्यों बना दी है? वो रेल की तरह दौड़ा दौड़ा घूम रहा है, जगह जगह नुक्कड़ मीटिंगे ले रहा है किस तरीके से, तो उसकी इमेज बच जाए, उसकी लाज बच जाए, तो कुछ तो खाता खुल जाए गाजीपुर जिले से। तो आपके जिले का जो रेल मंत्री है, सचमुच आप लोगों की भीड़ ने बता दिया कि आपने उसकी रेल ही बना दी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो थोड़ी घनी कमी रह गई है, तो आज आपकी इस भीड़ के बारे में जब उसको जानकारी मिलेगी, तो रही सही कमी उसकी और पूरी हो जाएगी। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने खुद के व प्रदेश के हित में भी अपना वोट यहाँ सपा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। हालांकि इन विरोधी पार्टियों में से खासकर सपा व बीजेपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, जहां इन दोनों ही सरकारों की गलतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहां प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, तो अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ सपा के ऐसे दागी चेहरे के साथ ही गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे, या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और यही मुख्य कारण है कि इस सरकार के चलते प्रदेश में हमेशा जहां हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है, इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहां आधे अधूरे ही
किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा इस सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चलाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें से इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर वे हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है, और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे को हराने की ही पूरी पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। और फिर इनका अर्थात सपा का अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके गाजीपुर जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से ना केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने सोने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को ना देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बड़ी संख्या में भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा, अर्थात फिर बीजेपी या प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। चाहे अब खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर व खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताकर जनता को अपना मालिक व खुद को उनका सेवक आदि भी बताकर कितनी भी ये सब नाटकबाजी आदि क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता यह इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी से वे इनकी नोटबंदी से भी दुखी होकर अब भी चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। अर्थात अब प्रदेश की जनता ने अपने हित व कल्याण के लिए अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा पूरा मन बना लिया है। वैसे भी केंद्र में बीजेपी व इनकी सरकार की गलत नीतियों
वह गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से बनाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यह मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आपके जिले के गरीब लोगों से, किसानों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन 2.5 वर्षों में केंद्र की सरकार के द्वारा आपके जिले में तो किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी आया है? इसके साथ ही मैं अपने किसान भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ कि आपके जिले में क्या किसी भी किसान भाई का 1 रुपये का भी कर्जा माफ किया गया है? मैं समझती हूँ नहीं। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवा हवाई वे कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वैसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि आपके जिले के लोग बड़े रोटी रोजी के साधन ना मिलने की वजह से, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक सत्ता या कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में जब आपको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले तो बड़ी तादाद में लोग दिल्ली और देश के अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए चले गए। लेकिन जब ये नोटबंदी का फैसला लिया तो जो बाहर रोटी रोजी के लिए गए थे वहां पर वो इस नोटबंदी की वजह से भूखा उनको मरना पड़ा, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इस नोटबंदी के कारण बाहर के प्रदेशों से पलायन हुआ है और यहाँ पर लोग वापिस आ गए हैं। भुखमरी की करार पर भी, भुखमरी के नौबत तक भी इन लोगों की आ गई है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इनके नोटबंदी के फैसले से
तो लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में, आपके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और बड़े पैमाने पर लोग अपने अपने प्रदेशों में पलायन करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर, मुझे याद है कि जब ये नोटबंदी का फैसला नवंबर के महीने में लिया गया था, 8 नवंबर को जब केंद्र की सरकार ने ये नोटबंदी का फैसला लिया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री का आपके उत्तर प्रदेश में पहला प्रोग्राम इसी गाजीपुर जिले में था। तो इस गाजीपुर जिले में आप लोगों को याद होगा कि हथेली पीट पीट कर इसी गाजीपुर जिले में जनता को क्या बोल रहे थे कि जो नोटबंदी का फैसला लिया है तो ये ऐसा फैसला है तो जिससे विरोधी पार्टियों को तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जो काला धन रखते हैं भ्रष्टाचारियां उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात ईमानदारी से जरूर बता दी थी, वो क्या थी कि ये नोटबंदी का फैसला लेने से पहले पहले हमने 10 महीने पहले इसकी बहुत तैयारी कर ली थी। लेकिन वो तैयारी आप लोगों के लिए नहीं थी, आप लोगों को नहीं बताया था उन्होंने 10 महीने पहले कि हम ये 500 1000 रुपए का नोट बंद करने के लिए जा रहे हैं, ये आपको नहीं बताया था। उन्होंने अपनी तैयारी की थी 10 महीने पहले, उन्होंने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीने के अंदर अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली हमें नजर आ रही है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी बोलने का अब नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है, ये भी आज तक केंद्र की सरकार ने देश की जनता को नहीं बताया है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है, इसके सिवाय कुछ और नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर इन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र वे अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य
प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय वे अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड वे गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने दलितों आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी जरूर होगा। अर्थात फिर बीजेपी के प्रदेश की सत्ता में आते ही यहाँ इन सभी वर्गों के लोगों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आते ही खासकर उत्तर प्रदेश में भी कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज और अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। लेकिन कांग्रेस व बीजेपी इस पर अमल करने के लिए अभी तक भी तैयार नहीं है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनके अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, तीन तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा या चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में यहाँ मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना ही बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये मालूम है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और विधानसभा के आम चुनाव में तो इनको ये मालूम है कि जनता इनके इनकी गलत नीतियों व गलत कारनामों की सजा इस चुनाव में जरूर देगी। सर्व समाज के लोग इनको इसकी सजा इस चुनाव में जरूर देंगे। तो अब इनके पास तो अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है
लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यहाँ की जनता का वोट लेने के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह हो, तो इनके सभी छोटे से लेकर बड़े नेता अपनी हर चुनावी जनसभा में क्या बोल रहे हैं, अपने वोट के खातिर क्या बोल रहे हैं स्वार्थ में। कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन का उत्तम प्रदेश बना दिया जाएगा, ये बातें कर रहे हैं बीजेपी के लोग अपने वोट के खातिर। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी पावर में आ गई तो फिर उत्तर प्रदेश में पहले दूध दही की बात करते थे, अब घी पर भी आ गए। अब ये कहने लगे हैं कि यूपी में यदि बीजेपी पावर में आ गई तो फिर यहाँ दूध दही व घी की नदियां बहने लग जाएंगी। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को आपको ना समझ नहीं समझना चाहिए, बहुत समझदार है यूपी की जनता, उन्हें इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 6 वर्षों तक यहाँ सरकार चलाने का मौका मिला था और उस समय केंद्र में भी अधिकांश बीजेपी ही सत्ता में थी। तो मैं बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक आपकी पार्टी यहाँ पावर में रही तो उस समय आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बनाया था, उस समय यहाँ उत्तर प्रदेश में दूध दही और घी की नदियां क्यों नहीं बहाई थी जब 6 वर्ष तक आप लोग यहाँ सत्ता में रहे थे। कानून व्यवस्था के मामले में भी मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, जब केंद्र में ये भारतीय जनता पार्टी अपने अधीन में चल रही, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अधीन में चल रही दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर यहाँ दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति दयनीय व खराब हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। अर्थात इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को जरूर चलना होगा। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर व इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं। और इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया वे ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो तब फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसके साथ ही यह मैं खासकर आपका गाजीपुर जिला पूर्वांचल में आता है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए हैं, तो वहाँ उनके साथ खासकर बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना द्वारा जो आए दिन सोतेला रवैया अपनाया जाता रहता है, तो इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी से ब्याज सहित जरूर लेना है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी यूपी के दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर जो उनका अब तक काफी अपमान करती रही है, तो ऐसी पार्टी को भी अब आपको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो
चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी भी रह गई तो उससे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। वैसे इस मामले में मुझे श्री मुख्तियार वे अफजान अंसारी परिवार तथा श्री विजय मिश्रा पर भी ये पूरा भरोसा है कि वे आपके इस खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में तो इनको खुद ही ऑक्सीजन में ले आएंगे, और इनके साथ देने के लिए श्री कैलाशनाथ यादव मैदान में डटे हुए हैं, जिनको यहाँ बीजेपी मतलब जो मुख्तियार अंसारी परिवार है, अफजाल और मुख्तियार अंसारी परिवार है, तो इनके बारे में यहाँ बीजेपी व सपा का बबुआ भी माफिया व बाहुबली बताते हुए थकते नहीं है। इनके बारे में जिस तरीके के वो भाषा बोलते हैं तो आप लोग उससे छिपी हुई नहीं है, जबकि इस मामले में बीजेपी व सपा के चाल चरित्र चेहरा नीति व नियत की जमीनी हकीकत ये है कि मैंने अपनी सरकार में याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सरकार में यहाँ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे जिस नामी ग्रामी माफिया वे बाहुबली को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था, तो आज वह बीजेपी और सपा अर्थात इन दोनों पार्टियों का आंख का तारा बना हुआ, चहेता बना हुआ है, जिसको बदनामी के डर से बीजेपी व सपा सीधे तो अपनी पार्टी से टिकट नहीं देती है, लेकिन इनको पर्दे के पीछे से जिताने के लिए ये दोनों पार्टियां हमेशा इनके विरुद्ध कमजोर उम्मीदवारी खड़ा करती रही हैं, जिसके कारण ही फिर वह यानी कि राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वह आजाद उम्मीदवार के रूप में ही हर बार बहुत आसानी से चुनाव जीत जाता है, ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। और फिर चुनाव खत्म होते ही तब ये दोनों पार्टियां चाहे सपा पावर में आए चाहे बीजेपी पावर में आए, तो फिर चुनाव खत्म होते ही तब ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने पर इनको तुरंत ही मंत्री भी बना देती हैं, जैसे अब वर्तमान में सपा के बबुआ ने इनको अपनी सरकार में अभी तक भी मंत्री बना के रखा हुआ है, जिससे सपा व बीजेपी के खासकर माफियाओं व बाहुबलियों के मामले में इनके इस दोहरे मापदंड होने के साथ साथ इनकी मुस्लिम विरोधी व आपसी अंदरूनी मिलीभगत होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और यही मुख्य कारण है कि जब भी सपा यहाँ सत्ता में आती है तो तब फिर बीजेपी मजबूत हो जाती है, और जब बीएसपी यहाँ सत्ता में आती है तो तब फिर बीजेपी यहाँ कमजोर हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही अब मैं यहाँ आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या इन दोनों पार्टियों के सपा व बीजेपी के इस दोहरे चाल चरित्र व मापदंड के चलते हुए इनके सरकारों में कभी भी यहाँ गुंडा माफिया व जंगल राज का अंत हो सकता है? मैं समझती हूँ नहीं। इसलिए अब खासकर बीजेपी व सपा एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ आकर यानी कि कल उन्होंने मऊ में श्री मुख्तियार अंसारी परिवार के बारे में जो भी कुछ बोला है, मैं समझती हूँ ये इनको शोभा नहीं देता है, जिनकी अपनी खुद की पार्टियों से भी इस चुनाव में यहाँ बड़ी संख्या में नामी ग्रामी माफिया वे बाहुबली लोग खुद भी वे उनके परिवार के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं,
जो ये सब प्रदेश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपना वोट इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है, अभी तक जिन चरणों के भी वोट पड़े हैं, तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अभी चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। और अब इस चुनाव में इनका बिहार के विधानसभा चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं, अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के गुरु व चेले की, या गुरु और चेले समझते हो मैं किसको कहती हूँ, बीजेपी का श्री नरेंद्र मोदी श्री अमित शाह का गुरु है। और अमित शाह श्री नरेंद्र मोदी का चेला है, अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यह बीजेपी के गुरु व चेले के, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह के साथ साथ यहाँ सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और खासकर अब इस सपा के बबुआ को तो यहाँ सपा की भाभी भी नहीं बचा पाएगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा। और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां उनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर, जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सपा और बीजेपी के मिली भगत के तहत ही तो श्री मुख्तियार अंसारी को जबरदस्ती तो अपराधी बनाकर हत्या के आरोप में शामिल करके तो उनको जेल के अंदर भेजा हुआ है। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, राजनीति करनी चाहिए लेकिन बदले की भावना से नहीं। जो अपराधी है तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपराधी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राजनीति का अपराधिकरण करना मैं समझती हूँ ये अपने देश का जो लोकतंत्र है तो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहती हूँ प्रदेश में किसी भी, और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सक्षम कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये मालूम है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और विधानसभा के आम चुनाव में तो इनको ये मालूम है कि जनता इनके इनकी गलत नीतियों व गलत कारनामों की सजा इस चुनाव में जरूर देगी। सर्व समाज के लोग
इनको इसकी सजा इस चुनाव में जरूर देंगे। तो अब इनके पास तो अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यहाँ की जनता का वोट लेने के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह हो, तो इनके सभी छोटे से लेकर बड़े नेता अपनी हर चुनावी जनसभा में क्या बोल रहे हैं, अपने वोट के खातिर क्या बोल रहे हैं स्वार्थ में। कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन का उत्तम प्रदेश बना दिया जाएगा, ये बातें कर रहे हैं बीजेपी के लोग अपने वोट के खातिर। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी पावर में आ गई तो फिर उत्तर प्रदेश में पहले दूध दही की बात करते थे, अब घी पर भी आ गए। अब ये कहने लगे हैं कि यूपी में यदि बीजेपी पावर में आ गई तो फिर यहाँ दूध दही व घी की नदियां बहने लग जाएंगी। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को आपको ना समझ नहीं समझना चाहिए। बहुत समझदार है यूपी की जनता, उन्हें इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 6 वर्षों तक यहाँ सरकार चलाने का मौका मिला था और उस समय केंद्र में भी अधिकांश बीजेपी ही सत्ता में थी। तो मैं बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक आपकी पार्टी यहाँ पावर में रही तो उस समय आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बनाया था? उस समय यहाँ उत्तर प्रदेश में दूध दही और घी की नदियां क्यों नहीं बहाई थी जब 6 वर्ष तक आप लोग यहाँ सत्ता में रहे थे? कानून व्यवस्था के मामले में भी मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, जब केंद्र में ये भारतीय जनता पार्टी अपने अधीन में चल रही, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अधीन में चल रही, दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर यहाँ दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति दयनीय वे खराब हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है? अर्थात इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को जरूर चलना होगा। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर व इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं, और इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो तब फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसके साथ ही यह मैं खासकर आपका गाजीपुर जिला पूर्वांचल में आता है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए हैं, तो वहाँ उनके साथ खासकर बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना द्वारा जो आए दिन सोतेला रवैया अपनाया जाता रहता है, तो इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी से ब्याह सहित जरूर लेना है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी यूपी के दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर जो उनका अब तक काफी अपमान करती रही है, तो ऐसी पार्टी को भी अब आपको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है।
इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी भी रह गई तो उससे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। वैसे इस मामले में मुझे श्री मुख्तियार वे अफजाल अंसारी परिवार तथा श्री विजय मिश्रा पर भी ये पूरा भरोसा है कि वे आपके इस खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में तो इनको खुद ही ऑक्सीजन में ले आएंगे, और इनके साथ देने के लिए श्री कैलाशनाथ यादव मैदान में डटे हुए हैं, जिनको यहाँ बीजेपी मतलब जो मुख्तियार अंसारी परिवार है, अफजाल और मुख्तियार अंसारी परिवार है, तो इनके बारे में यहाँ बीजेपी व सपा का बबुआ भी माफिया व बाहुबली बताते हुए थकते नहीं है। इनके बारे में जिस तरीके के वो भाषा बोलते हैं तो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है, जबकि इस मामले में बीजेपी व सपा के चाल चरित्र चेहरा नीति व नियत की जमीनी हकीकत ये है कि मैंने अपनी सरकार में याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सरकार में यहाँ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे जिस नामी ग्रामी माफिया वे बाहुबली को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था, तो आज वह बीजेपी और सपा अर्थात इन दोनों पार्टियों का आंख का तारा बना हुआ, चहेता बना हुआ है, जिसको बदनामी के डर से बीजेपी व सपा सीधे तो अपनी पार्टी से टिकट नहीं देती है, लेकिन इनको पर्दे के पीछे से जिताने के लिए ये दोनों पार्टियां हमेशा इनके विरुद्ध कमजोर उम्मीदवारी खड़ा करती रही हैं, जिसके कारण ही फिर वह यानी कि राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वह आजाद उम्मीदवार के रूप में ही हर बार बहुत आसानी से चुनाव जीत जाता है, ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। और फिर चुनाव खत्म होते ही तब ये दोनों पार्टियां चाहे सपा पावर में आए चाहे बीजेपी पावर में आए, तो फिर चुनाव खत्म होते ही तब ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने पर इनको तुरंत ही मंत्री भी बना देती हैं, जैसे अब वर्तमान में सपा के बबुआ ने इनको अपनी सरकार में अभी तक भी मंत्री बना के रखा हुआ है, जिससे सपा व बीजेपी के खासकर माफियाओं व बाहुबलियों के मामले में इनके इस दोहरे मापदंड होने के साथ साथ इनकी मुस्लिम विरोधी व आपसी अंदरूनी मिली भगत होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और यही मुख्य कारण है कि जब भी सपा या सत्ता में आती है तो तब फिर बीजेपी मजबूत हो जाती है, और जब बीएसपी यहाँ सत्ता में आती है तो तब फिर बीजेपी यहाँ कमजोर हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही अब मैं यहाँ आप लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या इन दोनों पार्टियों के सपा व बीजेपी के इस दोहरे चाल चरित्र व मापदंड के चलते हुए इनके सरकारों में कभी भी यहाँ गुंडा माफिया व जंगल राज का अंत हो सकता है? मैं समझती हूँ नहीं। इसलिए अब खासकर बीजेपी व सपा एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ आकर यानी कि कल उन्होंने मऊ में श्री मुख्तियार अंसारी परिवार के बारे में जो भी कुछ बोला है, मैं समझती हूँ ये इनको शोभा नहीं देता है, जिनकी अपनी खुद की पार्टियों से भी इस चुनाव में यहाँ बड़ी संख्या में नामी ग्रामी माफिया व बाहुबली लोग खुद भी
वे उनके परिवार के लोग भी चुनाव लड़े हैं, जो ये सब प्रदेश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपना वोट इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है, अभी तक जिन चरणों के भी वोट पड़े हैं, तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अभी चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। और अब इस चुनाव में इनका बिहार के विधानसभा चुनाव से भी काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और वैसे भी अब इनके वरिष्ठ नेताओं के तो अभी से ही चेहरे के नूर तक भी उतरने लगे हैं, अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यहाँ बीजेपी के गुरु व चेले की, या गुरु और चेले समझते हो मैं किसको कहती हूँ, बीजेपी का श्री नरेंद्र मोदी श्री अमित शाह का गुरु है। और अमित शाह श्री नरेंद्र मोदी का चेला है, अर्थात अभी चुनाव में वास्तव में यह बीजेपी के गुरु व चेले के, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह के साथ साथ यहाँ सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और खासकर अब इस सपा के बबुआ को तो यहाँ सपा की भाभी भी नहीं बचा पाएगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा। और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां उनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर, जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सपा और बीजेपी के मिली भगत के तहत ही तो श्री मुख्तार अंसारी को जबरदस्ती तो अपराधी बनाकर हत्या के आरोप में शामिल करके तो उनको जेल के अंदर भेजा हुआ है। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, राजनीति करनी चाहिए लेकिन बदले की भावना से नहीं। जो अपराधी है तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपराधी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राजनीति का अपराधिकरण करना, मैं समझती हूँ ये अपने देश का जो लोकतंत्र है तो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यहां मैं ये भी कहना चाहती हूँ, प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, बहुत लोगों को वर्षों से, यानी कि बेचारे गरीब लोग हैं जिनका कोई अपराध से कोई लेना देना नहीं है, बड़ी तादाद में लोगों को जेल के अंदर भेजा हुआ है जातिगत और राजनीतिक द्वेष की भावना से, तो जिन्हें जेल के अंदर कैद करके रखा हुआ है
तो उन मामलों के हमारी सरकार द्वारा इस बार समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा भी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार ने जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को ये मालूम है कि प्रदेश के जो प्राथमिक स्कूल हैं तो उन स्कूलों में अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी प्राथमिक स्कूलों में। तो जिसे ध्यान में रखकर तो प्रदेश के जो अभी वर्तमान जो हालत है प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया व कीड़े वाला खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध बिस्कुट अंडा चना केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब मजदूर छोटे किसान व अन्य मेहनत कश लोग भी जो बरसों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशान ही करते रहते हैं जिसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के
1,00,000 रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के खेती करने के लिए पट्टे भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सबके चलते तो सपा के जिन भू माफियाओं ने आपके पट्टों पर कब्जा कर लिया है तो विशेष अभियान के जरिए उन कब्जों को मुक्त कराया जाएगा, और जिन्होंने कब्जा कर लिया है इस बार उन्हें सूखा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक संग्रहालय वे मूर्ति आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए केंद्र की सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाया जाएगा, और इस मामले में खासकर आपके पूर्वांचल क्षेत्र को, आपको ये मालूम है कि आपका जो पूर्वांचल क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है, और आप लोगों की ये लंबे अरसे से ये मांग रही है कि पूर्वांचल अलग से राज्य बनना चाहिए। आप लोगों को ये भी मालूम है कि मैंने अपनी पिछली सरकार में तो आपकी इस मांग को मानते हुए तो उत्तर प्रदेश की असेंबली से पूर्वांचल अलग से स्टेट बनना चाहिए इसका प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार के पास भेज दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और ना ही वर्तमान में बीजेपी की सरकार ने आपकी इस जायज मांग को अभी तक भी स्वीकार नहीं किया है, जिसकी भी सजा इस चुनाव में आप लोगों को, और सपा के बारे में तो मालूम है कि जब हमने ये प्रस्ताव पास किया कांग्रेस ने तो विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन सपा ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर आपके पूर्वांचल स्टेट अलग से नहीं बनना चाहिए इसको लेकर उन्होंने जबरदस्त इसके लिए हंगामा किया था। तो जिसकी भी सजा इस चुनाव में आप लोगों को सपा कांग्रेस और बीजेपी इन तीनों पार्टियों को जरूर देना होगा। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे, और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके गाजीपुर जिले की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा, और खासकर यहाँ बुनकरों की समस्याओं को भी इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व पे रहे शासन काल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा। इसके साथ साथ इनकी अर्थात अधिकारियों की जो भी जायज समस्याएं होंगी तो इस बार मेरी सरकार बनने पर उन्हें जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है,
कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अभी चुनाव में आपको वे आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में यहाँ अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी काम काज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी माताएं बहने जो मुझे सुनने के लिए बड़ी तादाद में आई हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वोट वाले दिन आप भी अपने मर्दों से, पुरुषों से, आदमियों से पीछे नहीं रहेंगी। वोट वाले दिन अपने मर्दों से, पुरुषों से आगे निकलकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूं कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं तो इन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें जरूर जिताएंगे। और इस बार अपनी पार्टी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे और तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं माननीय श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से फिर से ये अपील करती हूँ कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग बीएसपी के